प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि ग्रुप डी में जो कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन था उसमें से 10 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो चलिए बनाते हैं। फर्स्ट में दिया है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस 5 और ये माइनस तो जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 34 और यहाँ पर 3 का क्यू 27 दूनी 54, 54 में से 34 घटेगा तो 54 में से 34 घटेगा तो 20 बचेगा और 20 और 20 से इसको भाग देंगे तो 3 बार में इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको देख लेते हैं। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 है। 13वीं पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी 16 रन अधिक बनाया है तो उसने 12वीं पारी में कितना रन बनाया। तो 11 पारियों का औसत 52 है, 13 पारियों का औसत 54 है और 13वां पारी में 16 रन ज़्यादा बनाया, यानी कि 12वां पारी में 16 रन कम बनाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 52 और 54 का अंतर कितना हो गया, तो 2 का अंतर हो गया, 13 दूनी का 26 हो गया। 26 में से 16 रन ये 13 वाला हटा दीजिए तो कितना बचा, तो 13 दूनी 13 16 हटा दीजिएगा तो 10 बचा और 10 में दोनों को बांट दीजिए तो 5 हो गया, तो 5 बढ़ जाएगा तो टोटल था 52, 52 में 5 बढ़ा दीजिए 57 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। तो इसमें से 2 का स्क्वायर तीसरा होना चाहिए, तो ऐसे वो आप लोग देख लीजिएगा ऐसे इसका एथी ट्रिपलेट बनता है 84 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 85 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है 2000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ब्याज की गणना कीजिए। तो 2 वर्ष के लिए है 10% का, तो 21% हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 20% हो गया 1% का अंतर, तो 1% यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ पर 20 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलिए आगे देखते हैं। 2 संख्याओं का लसा इतना है और मसा इतना है, यदि इनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इससे 12 से कटाएंगे, बरसक 72 बसते 84, तो ये 7 बार में कट जाएगा और 7 से इसको कटा देंगे 7 का 21 तो 3 हो गया, 7 का 21 तो 5 बचा तो 5 पर 50 7 से 49 तो 7 हो गया, यही 100 आंसर लग रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आरती और भारती एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए कम से कम 30 दिन और 42 दिन का लेती है। आरती अकेले कार्य करना शुरू करती है और कुछ दिन के बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में उन्हें 20 दिन लगते हैं, तो भारती कितने दिन के बाद कार्य में शामिल हुई थी। तो इसका इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो
42, 30 का 6 × 5 और यहाँ पर 7 × 6 = 42, 7 × 6 तो 6 × 7 = 42, 42 × 5 इसको गुना करिएगा तो 42, 4 × 5 = 20, 3 × 2 = 210 हो जाएगा एलसीएम इसका। तो ये 30 आरती करेगी, 30 दिन कर रही है तो 3 × 7 = 21 यानी कि 7 दिन में कर लेगी आरती, और ये करेगी तो ये पाँच यहाँ पर दिया है कट गया था आरती और भारती, तो दोनों इतना इतना दिन में कर रही है, इतना दिन में करना है, तो भारती कितने दिन बाद शामिल हुई थी, तो एलसीएम 200 200 गया। ई करेगी 30 से तो 7 दिन में कर लेगी, और ये करेगा तो ये 5 दिन में कर लेगी, तो ये तो 20 दिन किया है, तो 7 × 2 = 14 यानी 140, 140 इसमें से घटा देंगे, कितना बचा, 60 और 70, तो 70 बचा, तो 70 को कौन करने आएगा, तो ये 5 यानी भारती करने आएगी, तो 5 से कितना दिन कर जाएगी, तो 5 एक बार में 20, 5 × 2 = 20 यानी 14 दिन कर लेगी, टोटल 20 दिन काम हुआ है, तो 6 दिन में कर लेगी। चलिए आगे देखते हैं, अठहत्तर किलोमीटर हौज की गति से एक रेलगाड़ी इतना सेकंड में इतना मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो इसको बनाएंगे, तो इसको पहले 100 किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 5/18 और गुना समय कितना है, तो 27, तो इसको कटाएंगे तो ये कट गया 9 × 18 और 9 × 27, तो यहाँ से 2 से कटा देंगे इसको, तो ये कट जाएगा 38, 38 बार में कट जाएगा, और यहाँ से 38 हाँ तो 38 5 से इसको कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 40 का सोना हासिल, 4 × 15 = 4 = 19, इतना हो गया, और इसको इसको भी 3 3 यहाँ पर है 27 वाला, 3 से गुना कर लेंगे, 19 × 19 = 57, 5700 हो गया, तो आई कितना है, तो इतना है, तो इसमें से घटाएंगे तो 120 आपका मीटर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 19 भुज में बहुभुजों की संख्या कितनी है, तो इसका होता है सूत्र एक्स और x − 3/2 होता है, एक्स की जगह पर 19 19 में 3 घटा देंगे तो कितना हो गया, तो 16 16 हो गया, 16 को 2 से कटा देंगे तो 8, तो 19 × 8 कर देंगे, 8 × 9 = 72, एक ठो आंसर है, यही एक आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है इसको कटाएंगे इतना आया है, तो इसको भी कटाएंगे, तो इसको इसको कराने के लिए तो यहाँ पर 5.22 हो गया, और बट्टा में 18, तो यहाँ पर 2 के बाद है तो 2 ठो यहाँ पर 0 दे देंगे, और यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ठो 0 दे देंगे,
तो 2 से 2 से डिलीट कट जाएगा, इसको कटा लेंगे तो यहाँ पर आंसर तो 2700 है और 2 जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पर दिया इसका एलसीएम, तो एलसीएम 46 तो 24 में 48 46 49 41 42 ये नहीं होगा, ये इसको कटा लेंगे तो देखते हैं 84 ये तो नहीं होगा 42 84 तो ये भी नहीं होगा 42 8 16 ये हो सकता है 8 9 6 15 यही आंसर हो जाएगा, इसका एडिशन ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।